बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है कि अल्लाह के फजल व करम से आप सब ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। तो व्यूज़ जी, देखिए मैं आज ये बेसन की रोटी बनाऊंगी। ये मैंने 1.5 कप बेसन ले लिया, इसमें मैंने अभी और कुछ नहीं डाला क्योंकि ट्राई मारूंगी कि बगैर गंदम का आटा डाले ये रोटी बन जाए। अगर ना बनी तो फिर इसमें थोड़ा सा 2 चम्मच गंदम का आटा ऐड कर लूँगी। इसमें मैंने ये प्याज काट के डाल ली है, ये सब्ज़ मिर्च डाल ली है, और ये मेरे पास मसाले हैं जिसमें कसूरी मेथी है, हल्दी, लाल मिर्च, कलौंजी, ये कुटी हुई लाल मिर्च, सूखा धनिया और थोड़ा पिसा सूखा धनिया और थोड़ा साबुत है, और नमक डालूंगी और ये 1/2 चम्मच नमक की। ये सारा कुछ मैं इसमें ऐड कर लूँगी, ठीक हो गया। और इसको मैं अब हल्के से गूंद लूँगी, जैसे सही आटा गूंदते हैं उसी तरह गूंद के थोड़ी देर इसको रखूँगी और फिर मैं लगवाऊँगी तंदूरी में रोटी, ठीक है। और आपको दिखाती हूँ साहब। ये आटा गूंद के मैंने ये 2 रोटियां बना ली हैं, तो अब ये लगवाऊंगी तंदूरी में। अगर देखिए तंदूरी में गैस अगर है तो, गैस भी आजकल नहीं ना आ रही तो तंदूर सही वो गर्म नहीं होता, ना हुआ तो फिर तवे पे बना लेंगे। तंदूरी गर्म हो रही है, तंदूर की रोटी तो बहुत मजे की होती है। सही गर्म हो जाएगा फिर लगाते हैं। ये गंदम की रोटी लगी है ना, वो तो सही ला जाते, आप बेसन वाली लगाएंगे। माशाल्लाह ये देखिए गंदम की रोटी है, कितनी ज़बरदस्त पकती है ना। ला लगा लग जैसे गिरे ही ना। पक गई, बिल्कुल बेहतरीन हो गई है ना। ये अब इस पे देसी घी लगाती हूँ थोड़ा सा। ये देखिए कितनी ज़बरदस्त बन गई है ना, खानी शुगर की वजह से, लेकिन चलो थोड़ी टेस्टी हो जाए ना फिर तब भी बंदा खा सकता है ना। चलो अब ये खा के साथ चाय बनाते हैं, दोपहर का खाना हो जा रहा है। वैसे भी जब ये बारिश का मौसम हो तो इस तरह की रोटी, ये मिस्सी रोटी बोलते हैं हम लोग, बेसन की रोटी बहुत मज़े की बनती है, सब खुश होकर खाते हैं दही के साथ, लस्सी के साथ।
खा के देखते हैं। बिस्मिल्लाह, वाकई में बहुत टेस्टी है।